हेलो दोस्तों, फिर से आपके पास स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शिव। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक दोस्तों क्या है, ये आप चमकते हुए बॉक्स में जो भी देख रहे हैं, इसके अंदर माइक नहीं है, वायरलेस माइक नहीं है, इसके अंदर है मिक्सर्स, 4 चैनल 7 चैनल। तो दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले रिव्यू जानेंगे, क्वालिटी थोड़ी सी सुनेंगे, आफ्टर देन मैं आपको प्राइस बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो नीचे दिए लाल कलर के बटन को जाके सब्सक्राइब करें, साथ के साथ उस बेल आइकन को भी दबाइए, यानी वो घंटी से आपको दिख रही होगी सब्सक्राइब के बटन के बिल्कुल बगल में, तो देन उसको आप प्रेस कर दीजिए, यानी उसको दबा दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है मुझे। बेसिकली ये एक फ्लैट केस के साथ आता है, एल्युमिनियम फ्लैट केस के साथ आता है, तो जाहिर सी बात है इसमें जंग तो लगने वाली नहीं है, ना ही ये कभी पुराने से लगेंगे। न्यूट्रॉन प्लस की ब्रांडिंग है, यानी न्यूट्रॉन की तरफ से आता है ये, और 4 चैनल और 7 चैनल इसके अंदर इको वीको गेन वेन सब है, यानी आप जो कह लो एक बड़े मिक्सर में होता है, नॉट एग्जैक्ट बिल्कुल मतलब प्रॉपर नहीं है, लेकिन आपको एक मल्टीटास्किंग भी देखने को मिलता है इसके अंदर, यानी यूएसबी के साथ भी आपको देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। और चलते हैं, पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, मेरे ख्याल से इस वाली की करते हैं, बड़े वाली की। तो आइए, तो दोस्तों अभी आपको देखने को मिल जाता है ये प्यारा सा फ्लैट केस, इसको मैं अनलॉक करता हूँ, एक प्यारा सा हैंडल बार भी देखने को मिलता है, ओपन करते हैं हम। तो अभी तो आप इसके अंदर मिक्सर देख सकते हैं, जो कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है, चारों साइड से प्रोटेक्टिव है और ऊपर के साइड फॉर्म लगा रखा है, तो इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो चलते हैं आगे। बेसिकली आप ये मिक्सर को देख सकते हैं पास से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको मेन आउटपुट देखने को मिल जाती है ऑक्स की, यहाँ पे सेंड देखने को मिल जाती है जो कि काम यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आप फ़ोन यानी जो आप हेडफोन लगा के अगर इसको सुनना चाहें प्ले करने से पहले, यानी मेन से पहले, तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे आपको 7 चैनल देखने को मिल जाता है, यूएसबी भी चला सकते हैं आप इसके अंदर, यानी अगर आपके पास यूएसबी मेमोरी कार्ड लगा के या कुछ भी करके मतलब इससे आप यहाँ पे गाना प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस की ब्रांडिंग, T7 मॉडल नंबर है, प्रोफेशनल मिक्सर देखने को मिल जाता है, 48 वोल्ट फेंडअप पावर भी आपको देखने को मिलती है। साथ के साथ यहाँ पे आपको जो डिले और रिवर्ब है, ये दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है सेपरेट। साथ के साथ यहाँ पे आपको फ़ोन का यानी जो इसका वॉल्यूम है इस वाले का यहाँ पे, तो इसका भी वॉल्यूम आपको अलग दे रखा है, ऑक्स सेंड के लिए ये यहाँ पे दे रखा है इसका वॉल्यूम अलग, और EFX के लिए, EFX जो आपको बेसिकली ये वाला EFX होगा, तो इसके लिए ये वाला मेन वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात आती है हम यहाँ से यहाँ पे, तो सेम एज इट इज़ आपको जो XLR इनपुट देखने को मिलता है चैनल 1 पे, फिर इंसर्ट और लाइन, ये दोनों का अलग अलग यूज़ होता है, फिर सेम एज इट इज़ यहाँ तक है ऊपर की साइड से, सेम एज इट इज़ यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 6th और 7th पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप रिकॉर्डिंग के हार्ट से आउटपुट ले सकते हैं, ये 6th 7th में नहीं है, अलग है ये, तो 6th 7th की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे RC जो इनपुट है वो भी ले सकते हैं, यानी CD प्लेयर का यूज़ भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। सेम आ जाता है मोनो, यानी आप मोनो इनपुट ले सकते हैं दोनों का लेफ्ट राइट करके, तो ये यहाँ पे इसका फेडर हो गया। और बात आती है हम यहाँ पे इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी के हमें नोब देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा गेन, यानी गेन का हमारा जो नोब है वो देखने को मिलता है, फिर पैन यानी लेफ्ट राइट आप इससे कर सकते हैं, इसको आप सेंटर में रखिएगा तभी ये मतलब लेफ्ट राइट आएगा यहाँ पे। साथ के साथ यहाँ पे आपको जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसकी नोब देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मिड फ्रिक्वेंसी की नोब देखने को मिल जाती है,
यहाँ पे आपको लो यानी बेस की फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है। ऑक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑक्स सेंड के लिए, इनपुट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे EFX यानी हमारा ये EFX आ गया, यानी ये EFX के जितने भी ये पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, ये दो हो गए, ये हो गया और ये हो गया, ये आपके इफेक्ट रिवर्ब के काम आने वाला है। और ये यहाँ पे आप मेन फैडर देख सकते हैं, सेम एज इट इज़, यहाँ तक तो ये सेम ही है ये सारे चैनल, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है यानी इनपुट में, बाकी सेम चीज़ वही रहेगा, मेन के लिए फैडर हो गया। और सेम एज ही 7 यानी 7 चैनल में ये है, और 4 चैनल भी सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे कुछ पीछे की साइड से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो पावर इनपुट की जो लगाने के लिए होगा पोर्ट, वो देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ स्विच बटन देखने को मिल जाता है, ग्रिल देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इससे जो एयर पास होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और ये ब्लूटूथ के साथ भी आता है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि ये ब्लूटूथ के साथ आपको देखने को मिलता है। चलते हैं आगे, और आगे इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अब आती है बारी यहाँ पे टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे सब कुछ रेडी कर चुका हूँ, माइक इनपुट कर चुका हूँ, मेन आउट दे चुका हूँ अपने एम्पलीफायर को, और यहाँ पे पावर इनपुट भी कर चुका हूँ। यहाँ पे जो दोस्तों सेकंड वाला मिक्सर रखा है ये है T4, तो आप सेम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, बस जो हमारे चैनल हैं वो कम हो जाएंगे, उसमें जो आपको XLR इन मिलेंगे वो दो होंगे, और बाकी जो आपको मोनो और आपके जो ऑक्स वाले यानी RC वाले जो भी इनपुट होगा वो आपको एक देखने को मिलेगा। तो वो 4 चैनल का है और यहाँ पे आपको ये 7 चैनल का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ से ऑन करते हैं फेडर को ऊपर की साइड, और ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, और इंडिकेटर भी आपको ब्लिंक देखने को मिल जा रही है। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी इस आवाज़ को प्यारी कर देता हूँ। हले 1 2 चेक, हले 1 2 चेक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वो नीचे लाल कलर के बटन को जाके सब्सक्राइब करें। और हरे 1 2 चेक, हरे हरे चेक 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 चेक। तो आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, और अभी मैं इसमें कुछ करता हूँ, इफेक्ट डालता हूँ। ओके यहाँ से करा, हरे चेक चेक, वाह वाह। तो आप ये इफेक्ट को देख सकते हैं, और थोड़ा सा रिवर्ब बढ़ाते हैं, हरे हरे हरे। ओके थोड़ा सा गेन कम करते हैं और वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा, हरे 1 2 चेक, हरे 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 चेक 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 चेक। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये था रिवर्ब विद डिले के साथ, डिले मैंने हाफ कर रखी है, और जो रिवर्ब है वो मैंने 65% खोल रखा है। हले, हले, वान, 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 टू, 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 अभी देखो मैं आपको रिवर्ब बंद करके दिखाता हूँ। हले हले ठीक है, तो ये डिले आ रही है हल्की सी इसके अंदर, और हल्का सा हम रिवर्ब खोल के देखते हैं। हरे हरे 1 2 चेक, हरे 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 चेक, 1 2 चेक, हेलो 1 2 चेक। तो क्वालिटी ठीक है, और ये है लो 1 2 चेक, हरे हरे हरे। तो अभी बेस बढ़ गई है इसके अंदर, इसको हाफ कर देता हूँ। मिड देख सकते हैं, हरे चेक 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 चेक, तो ये मिड आ गई, उसको भी हाफ कर देते हैं, और हाई को देखते हैं, हाई चेक 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 चेक, हाई चेक चेक। तो ये आप हाई को देख सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आपको गेन देखने को मिल जाता है, सेम एज इट इज वर्क जो करेगा वो ये भी चैनल करेगा। हले 1 2 चेक, हले 1 2 चेक, हले 1 2 चेक चेक चेक, हले चेक हले 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेम एज इट इज दोस्तों ये भी ऐसे ही काम करेगा, ना कि कुछ अलग इसके अंदर है या कि कुछ उसके अंदर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। USB आप लगा सकते हैं, ब्लूटूथ आप चला सकते हैं इसके अंदर। और बस दोस्तों ये था कुछ मिक्सर दोनों, और इसकी हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस है इसकी दोस्तों वो प्राइस होगी, यानी जो हमारे छोटे भाई साहब की जो प्राइस रहेगी जो कि है 4 चैनल वाले, इनकी जो प्राइस होगी वो होगी 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये। और जो इन बड़े वाले भाई साहब की जो प्राइस होगी, उसकी जो प्राइस होगी वो होगी 6,800 रुपये। तो प्राइस क्वालिटी दोनों अच्छी है, इज इक्वल्स टू क्वालिटी दोनों की दमदार लगी इस प्राइस पे।
मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये, इससे बेस्ट मुझे नहीं लग रहा है कोई और मिल सकता है आपको मार्केट के अंदर। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो कोई कंजूसी नहीं करेगी, मैं बिल्ड क्वालिटी को तो एक नंबर देना चाहूँगा। बाकी जो इसके अंदर रिको रिवर्ब और इफेक्ट हैं ये सीमित है इसमें, लेकिन आप एलिसिस और डीडी बॉस के डीडी यूज़ करके या अनदर एक फुटप्रिंट जो ईगो के या फिर आपको रिवर्ब जो प्रोवाइड करें तो आप उनको डाल के क्वालिटी और इनहेंस यानी ईगो रिवर्ब जो भी आप अलग से लेना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सीमित है तो इतने से अगर आप काम चला सकते हो ठीक है। बाकी आप डीजे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट कर रखा है आपने डीजे और आपको कुछ ऐसा चाहिए कि मिक्सर में मेरे 3-4 माइक भी चल जाएं, साथ के साथ मैं एक डीजे पे भी इसको काम कर सकूं, और विथ फ्लाइट केस, तो फ्लाइट केस इसका एल्युमिनियम है, रस्ट नहीं लगेगा इसके अंदर, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी मुझे तो क्वालिटी ठीक लगी और बस यही था वीडियो में। प्राइस मैंने आपको बता दी है, दोनों के दोनों ब्लूटूथ और सेम मल्टीमीडिया के उससे आते हैं, न्यूट्रो प्लस ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिलते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और आपको कैसे लगी वीडियो वो मेरे लिए मैंने रखता है, तो ज़रूर से नीचे कमेंट बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है तो नीचे दिए लाल करके बटन को जाके सब्सक्राइब करें। और मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।